तो चलिए आप लोग को एक यूनिक चीज दिखाते हैं। बारिश का मौसम बनाया हुआ है, बहुत जोर का बारिश आने, गुंडा कितना ज्यादा लग गया पैर में, बहुत ही ज्यादा एकदम मेहनत लग रहा है, 15 दिन हो चुका है। हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो सो गाइस, बताना चाहेंगे अभी जो हम एक बेस्ट लोकेशन पे आए हुए हैं वीडियो शूट करने के लिए, जैसा कि देख पा रहे हैं तो इधर में हमारा ट्राइपॉड है, इधर में हमारा बैग है और इधर में हमारा साइकिल है, जो कि हम स्पीड का ऊपर में जो वीडियो शूट किए हैं कि स्पीडोमीटर साइकिल में लगाने का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये रहा हमारा साइकिल और इसमें देखिए हम स्पीडोमीटर लगाए हुए हैं। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि स्पीडोमीटर कैसा लग रहा है साइकिल में। सो बताना चाहेंगे गाइस कि अगर आप अपने साइकिल में स्पीडोमीटर लगाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ, जाकर देख करके आराम से अपना साइकिल में स्पीडोमीटर फिट कर सकते हैं। स्पीडोमीटर लगाने का बहुत ही ज़्यादा फायदा है। फिलहाल जो है वीडियो तो शूट हो चुका है, तो ये देखिए क्या बताएं, एकदम बहुत ही ज़्यादा बेकार, एकदम देखिए झुरगुंडा कितना ज़्यादा लग गया पैर में। ये देखिए अब एक एक को जो है बैठ बैठ का आराम से छोड़ाना पड़ेगा, यानी एकदम यानी समय का जो है एकदम फजूल का समय आज जाएगा, यानी ये झुरगुंडा का वजह से। बैग में जो है ट्राइपॉड अपना रख लिए हैं और अभी चलिए चलते हैं इस जगह से, चलिए इस जगह से चलते हैं। हालांकि जो झुरगुंडा तो बहुत ज़्यादा लग गया, तो ये देखिए रास्ता में कितना ज़्यादा झुरगुंडा है जैसा कि देख पा रहे हैं। ये देखिए तो जो है एक दो वीडियो का क्लिप लेना बाकी है, तो वही सूट अभी ले लेते हैं। तो ये देखिए साइकिल में चल रहे हैं और एक यहाँ सामान रखा हुआ है, वो रूम में आ चुके हैं जो कि अपना स्टूडियो है। तो ये रहा रंग पेंट का जो अभी काम चल रहा है, तो पूरा घिसाई उसाई हो चुका है ये फ्रेम का। इधर में रिम वगैरह रखा हुआ है, न्यू टायर रखा हुआ है और इधर में स्पेयर पार्ट सब रखा हुआ है जैसा कि देख पा रहे हैं। सो गाइस, बताना चाहेंगे बहुत ही ज़्यादा एकदम मेहनत लग रहा है ये वीडियो को शूट करने में। आज से कम जो है 15 दिन हो चुका है, 15 दिन से ये वीडियो को शूट करने में लगे हुए हैं, जो कि घिसाई उसाई का काम अभी कंप्लीट हो गया है, तो थोड़ा सा अभी बाकी है तो वो भी कंप्लीट करेंगे। अभी चलिए यहाँ से चलते हैं एक साइकिल लेकर के। सो गाइस, एक लोकेशन पे जा रहे हैं वीडियो शूट करने के लिए, जो कि हमारा अमेजिंग टाइम का रहेगा। तो देखते हैं वहाँ का वीडियो किस तरह से शूट होता है। बड़ा बड़ा हाईवे इधर में चल रहा है, प्रोजेक्ट एरिया ही है हम लोग का, इधर में ज्यादा करके जो है ना प्रोजेक्ट एरिया ही है इसके वजह से। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को कंप्लीट करते हैं, ये आप लोग को एक यूनिक चीज दिखाते हैं, देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और अच्छा भी लगेगा। ये देखिए जुगाड़ वाला जो है यहाँ पर एक कुर्सी बना हुआ है जैसा कि देख पा रहे, तो कैसा लग रहा है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दिवाकर जी भी है साथ में, पूंछ के साथ में एकदम है, यानी बैठने में बहुत ही ज्यादा आरामदायक है। सो गाइस, गुड मॉर्निंग, ये दूसरा दिन जो है हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं कंप्लीट। तो जैसा कि देख पा रहे, इधर में हमारा सारा स्पेयर पार्ट्स जो खुला हुआ है, रंग पेंट होगा ये साइकिल का, तो सारा अच्छे से एकदम घिसाई वगैरह हो गया। यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा एकदम डस्ट है इस जगह में। ये देखिए हाथ भी देखिए हमारा कितना ज़्यादा यानी एकदम गंदा हो चुका है, वाश लट्टा भी इधर में है, तभी अच्छे से वाशिंग। अभी जो हम साइकिल से जा रहे हैं जैसा कि देख पा रहे हैं, ये देखिए पूरा एकदम बारिश का मौसम बनाया हुआ है, बहुत जोर का बारिश आने वाला है। तभी जो है वीडियो शूट करने के लिए जा रहे हैं चैलेंजिंग का, देखते हैं अगर बारिश नहीं आया तो वीडियो शूट एकदम अच्छा से हो जाएगा और थोड़ा चलाने में भी प्रॉब्लम हो रहा है साइकिल, क्योंकि बारिश का मौसम पूरा बनाया हुआ है। और अभी जैसे कि देख पा रहे हैं हम जंगल का रास्ते से जा रहे हैं, ये देखिए। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं, और वो जो पत्थर आप देख रहे हैं बड़ा बड़ा, तो इस जगह का नाम है राजा रानी, तो इसी जगह में जो है आपका वीडियो शूट होगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो शूट हो रहा है या नहीं हो रहा। ये देखिए सबको जो है रिटेनिंग आ रहा है, ये देखिए यानी पूरा जोर का बारिश आ रहा है इसीलिए, और यहाँ पूरा एकदम खुला मैदान है। यहाँ पर ही जो है आपका कल तक बारिश में वीडियो शूट होगा ही नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जगह कहाँ पर ही, देखते हैं और वहाँ पर वीडियो शूट करेंगे। चलिए आज के ब्लॉग के यहीं पर ही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, वंदे मातरम।